सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपने जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। वक्त ने जरा सी करवट क्या ली, गैरों के लाइन में सबसे आगे पाया अपनों को। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। आज का पंचांग 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र शाम 4:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 10:12 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, अभी आपको किसी नौकरी, प्रशिक्षण या कार्य के दायित्व का मौका मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य या उधार आपको परेशान कर रहे हैं तो फोन, ईमेल, टैक्स या व्यक्तिगत रूप से करीबी लोगों के साथ बातचीत करें। परिवार की सलाह पर ध्यान दें। इन कठिनाइयों के बाद आपको नए अवसर मिलेंगे। महीने का यह दौर आपको नए आयाम खोजने के लिए आगे बढ़ाने वाला है। आज कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें और समझदारी से निर्णय लें। महत्वपूर्ण काम करने से बचें। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज्यादा प्रबल हो। इस समय ग्रह स्थिति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। मीडिया अथवा मित्रों द्वारा कई नई जानकारियां मिलेगी, परंतु इनका उपयोग करना आपकी क्षमता पर आधारित है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन भी उत्पन्न हो सकता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्साह बना रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव का असर कार्य क्षमता पर ना होने दें। काम के पैटर्न में भी बदलाव आएगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद में सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता है। काम संबंधित बड़ा अवसर मिलेगा, इसके जरिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिलेशनशिप पर ध्यान देने से जीवन के अन्य पहलू भी बदलते हुए नजर आएंगे। उल्टी और अपचय की तकलीफ भी हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि कभी कभी आपका शंकालु स्वभाव आपके लिए ही परेशानी उत्पन्न कर देता है। आज किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। इसमें समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति का और अनुशासित माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्द ही विवाह में परिणित होंगे। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना और अपने भविष्य के निर्णय लेने से सुखद आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए साथ में किसी छोटी यात्रा पर जाना आपको अद्भुत महसूस कराएगा। संगीत, नृत्य या कला से आप अपनी दिलचस्प बना सकते हैं। जीवन के इस मनोरंजन चरण में आप स्वयं को उत्साहित और भाग्यशाली महसूस करेंगे। अनुराग के इस अद्भुत समय में आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। प्रेमी के साथ समय बिताने का लुफ्त लेंगे और उसके लिए कुछ अलग कर सकते हैं। अपने रिश्ते की कद्र करें, अपने पार्टनर को समय दें और उसे प्यार का एहसास करें। बात करते हैं करियर की। आज नए संपर्क बनाएं, क्योंकि यह समय संचार के लिए अच्छा है। अभी आपका जीवन व्यस्त रहेगा और अपने जीवन साथी या छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताना मुश्किल होगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियां छोटी यात्राओं, प्रचार संचार और पत्र लिखना आदि कार्यों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन का यह चरण आपके पेशेवर जीवन को कई अच्छे और शिक्षा प्रदान करने वाले अनुभवों से नवाजने वाला है। आपकी ऊर्जा आपको सभी सौदों व कार्यों में अच्छे परिणाम लाएगी। जिस काम को आपने शुरू किया है उसे आज पूरा अवश्य करें।
सोचे समझे और उसके बाद काम करें, यही आज के दिन का मंत्र है। बात करती है सेहत की। लापरवाही ना करें, गिरकर या वाहन से चोट लगने की आशंका है। किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। कईयों को उल्टी और अपचय की तकलीफ भी हो सकती है, उन्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। आज का उपाय, आज आप गाय को हरी सब्जी या हरा चारा खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।